अल्लाह ताला ने दुनिया के गम कम करने के लिए अल्लाह के रसूल को बड़ा गम दे दिया। इस दुनिया के अंदर जब भी एक इंसान बाप की कमी को महसूस करेगा तो अल्लाह के रसूल को जरूर देखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को तमाम कायनात के लिए रहमत द सिंबल ऑफ मर्सी बना के भेजा। तो अल्लाह के रसूल की आप जो है जिंदगी देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू में मतलब पैदा होते हैं तो इसे हम कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो बाप की सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, बच्चा जब होता है ना साल डेढ़ दो साल का, उसकी वो चीज़ें छोटे से बच्चे के भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप करीब है, तो जो बच्चे की उनसियत माँ बाप के साथ है या फिर अपने बहन भाइयों के साथ भी है, तो वो किसी और के साथ डेवलप नहीं होगी। आप एक जगह माँ बाप खड़ा कर दें और एक जगह उस दुनिया जहाँ की याशियाँ दे दें, उसको टॉयज दे दें, वो हो सकता है टेम्परेरी तौर पे चले भी जाए, एकदम से उसको रियलाइजेशन होगी कि मेरी जो निस्बत है, मेरी जो बिलोंगिंग है वो कहीं और है। तो अल्लाह के रसूल जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और बाप का जो साया है, बाप की शफकत का जो साया है, वो अल्लाह के रसूल के ऊपर मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो शुरू की भी जो अपब्रिंगिंग है वो हलीमा सादिया के साथ है, मतलब रजाई माँ, रजाई बहन भाई उनके साथ हो रही है, माँ को नहीं देखा। उसके बाद जब गालिबन ये 6 साल 5-6 साल की उम्र को पहुँचते हैं, वहाँ पे फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और ही धचका लगता है कि उनकी जो वालदा हैं आमना, उनकी भी वफात हो जाती है। अब आप देखें कि अल्लाह जो है एक मुस्तकबिल के फ्यूचर लीडर और नबी को किस कर्ब और गम और अलम से गुजार रहे हैं। ना बहन भाई क्या होते हैं पता अल्लाह के रसूल को, मैं ये नहीं कह रहा पता नहीं है, लेकिन क्या है नस्बत नहीं है बहन भाई, रजाइयों रजाई है, जो दूध का दूध शरीक जो हम कहते हैं ना रजाई बहन भाई रजाई माँ, वो है, लेकिन क्या है जो हकीकी सगे रिश्ते अल्लाह के रसूल के, वो आप देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिए। अल्लाह ताला ने उस छोटे से बच्चे को ना मुस्तकबिल के अंदर एक रोल मॉडल बनाना था। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को खुशी के अंदर भी रोल मॉडल बनाया है कि जब तुम खुश हो, जब तुम जंग को फतेह करो, वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब फौज दर फौज तुम्हारी फॉलोइंग बन जाए, फौज दर फौज तुम इतने फेमस हो जाओ, तुम्हें इतनी पावर मिल जाए, पॉलिटिकल भी हो रिलीजियस भी हो कई और अल्लाह ताला तुम्हें ताकतें दे दे, तो तुम क्या करो फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, इस्तगफार करना है तुमने, अपनी नफ्सियात को बैलेंस करना है तुमने। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को एक रोल मॉडल बना रहे थे उसवा हसना। रोल मॉडल के अंदर ना खुशियां भी कमाल की होती हैं, उसके पास गम भी कमाल के होते हैं, नेमतें भी कमाल की होती हैं, और कर्ब और अलम भी जो है ना कमाल का होता है। तो अल्लाह के रसूल को जो पहला इस दुनिया का जो तोहफा है वो उस लीडरशिप के इस रस्ते के अंदर वो ये कि पैदा होते हैं तो बाप नहीं है, थोड़ी शऊर की जिंदगी में आते हैं तो माँ नहीं है। इस दुनिया के अंदर जब भी एक इंसान बाप की कमी को महसूस करेगा तो अल्लाह के रसूल को जरूर देखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जब भी एक इंसान माँ की कमी को महसूस करेगा तो उसके दिल में ये बात जरूर आएगी कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने ममता नहीं दी तो मेरे रसूल को भी ममता नहीं मिली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब गम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जब गम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब अगर मुझे कोई गम है और मुझे लगे ना कि सिर्फ मुझे ही ये गम है, भले वो मेरा कांटा ही क्यों ना छुपा हुआ छोटा सा, लेकिन जब मुझे पता हो ये मुझे ही गम है तो वो दुनिया में उससे बड़ा कोई गम नहीं होता। लेकिन जब मैं देखूंगा ना मुझे भी कांटा चुभा है, तो मेरे बराबर में या पहले भी एक शख्स था उसको भी कांटा चुभा है, तो मेरा गम आधा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के गम कम करने के लिए अल्लाह के रसूल को बड़ा गम दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये सहाबा जो थे ना वो क्या कहते थे उनको, फिदाहु उम्मी व अबी व रूही व जसदी, ये दो मैं ऐड करता हूँ कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो और मैं कहता हूँ मेरी रूह और मेरा जिस्म भी आपके ऊपर कुर्बान हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इससे इंसान की एक और एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि ऐसा इंसान वो क्या होता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव होता है तो केयरिंग भी होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत केयरिंग थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खला था ना, उस खला को फिल करना है, पूरा करना है किसी न किसी तरीके से, तो वो कैसे होगा, वो इन्हीं तरीकों से, मतलब इंसान फिर केयरिंग हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत को कितना बड़ा किया, मैं कुरान की एक आयत रखूंगा, अल्लाह ताला कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको तमाम जहां, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, आलम कहते हैं यूनिवर्स को, आलमीन यूनिवर्सेस, मतलब जितनी भी कायनातें हैं अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को तमाम कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना दिया, रहमत द सिंबल ऑफ मर्सी बना के भेजा।